कैलकुलस के आखिरी चैप्टर पर हम लोग पहुंच गए। कल ही का दिन लगता है कि हमने कैलकुलस शुरू की थी और फाइनली वी आर टू द लास्ट चैप्टर ऑन कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सुनो बिल्कुल ध्यान से, डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे पढ़ा रहा हूं ये बहुत इजी चैप्टर है, जैसे एरिया इंटीग्रल छोटा सा है, एक कंसेप्ट है और कुछ कुछ सवाल है, वैसे ये बहुत छोटा है, एक सिंगल कंसेप्ट है, कुछ कुछ सवाल है, बात बन जाती है। चैप्टर का नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी चैप्टर में शब्द इक्वेशन आता है यानी कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एंगल की वैल्यू निकालनी है, अपने पास लॉगरिथमिक इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे और एक एक बात को समझेंगे। अब कैलकुलस के अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता, बल्कि कैलकुलस के अंदर क्या होता है? फंक्शन। क्योंकि कैलकुलस खुद क्या है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव्स में बनी हुई, अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव्स में बनी हुई एक इक्वेशन दी जाएगी। जैसे ऐसा कुछ दे देंगे, डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू थ्री। अब वाई किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है। अब आपसे बोला जाएगा इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है कि अननोन फंक्शन वाई ढूंढो एक्स के टर्म में, अननोन फंक्शन वाई ढूंढो जो कि इस इक्वेशन को क्या करता हो? सेटिस्फाई। ये पूरे चैप्टर में इन दिस वी विल बी, बोर्ड पर देखते रहे, वी विल बी गिवन एन इक्वेशन इन डिफरेंशियल्स ऑफ अननोन फंक्शन। इसके अंदर हमको इक्वेशन दी जाएगी डिफरेंशियल्स ऑफ अननोन फंक्शन एंड वी हैव टू सॉल्व इट टू फाइंड द अननोन फंक्शन सेटिस्फाइंग इट। और हमको अननोन फंक्शन निकालना होगा जो कि उसको क्या करता हो? सेटिस्फाई। एक अननोन फंक्शन होगा वाई इक्वल टू एफ एक्स, उसके डिफरेंशियल्स में, उसके डेरिवेटिव में आपको एक इक्वेशन दी जाएगी। कैसे भी इक्वेशन दे सकते हैं, हो सकता है लिख दें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू थ्री, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो सकता है लिख दें ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। हो सकता है ऐसा कुछ लिख दे कि डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो सकता है ऐसा लिख दें डी वाई बाई डी एक्स की पावर फोर प्लस एक्स टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर सिक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, ये भी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना चाहे बोर्ड पर देखें, व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन फॉर्म्ड बाय डेरिवेटिव्स ऑफ सम अननोन फंक्शन। एक अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव्स को लेकर बनाई गई इक्वेशन क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव्स को लेकर बनाई गई इक्वेशन क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बात समझ में आ गई बच्चों? और करना क्या है? कोई भी इक्वेशन दी गई हो सॉल्व करना है, अननोन निकालना है। इससे पहले अननोन वेरिएबल हुआ करते थे, एंगल या एक्स की वैल्यू। डिफरेंशियल इक्वेशन में अननोन क्या होगा? फंक्शन। पहले इसका कंसेप्ट दिमाग में बैठाओ। तो व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन फॉर्मड इन द डेरिवेटिव्स ऑफ अननोन फंक्शन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड दैट अननोन फंक्शन व्हिच सेटिस्फाइज इट। क्या बात समझ में आई? ये सब के सब क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। इनकी शक्ल देखकर डर सा लग जाता है, भयग्रस्त हो जाते हैं। अब रुको, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया? आ इक्वेशन फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ अननोन फंक्शन इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, करना क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में? सॉल्व करना है।
सॉल्व करके वो अननोन फंक्शन निकालना है जो उसको क्या करता हो सेटिस्फाई। इससे पहले हम आगे बढ़े डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन तो समझ ली, हम सबसे पहले समझेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए बात करें ऑर्डर एंड डिग्री, दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि जुड़े हुए हैं ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी बार अननोन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया। ऑर्डर मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द अननोन फंक्शन हैज बीन डिफरेंशिएट, मैक्सिमम कितनी बार उसको डिफरेंशिएट। जैसे इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2, क्योंकि अननोन फंक्शन वाई है, वो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया 2 बार। भाई देखो आपन आमतौर पर फंक्शन को कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अपना अननोन फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं y से, कोई नया नोटेशन नहीं है, पहले ही डिनोट करते रहे। और y हमेशा किसका फंक्शन होता है x का, y किस पर डिपेंड करता है x पर। क्या बात समझ में, इसका ऑर्डर कितना है 2, इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2, अरे अननोन फंक्शन y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 2, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट, पावर नहीं बात कर रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द अननोन फंक्शन हैज बीन डिफरेंशिएटेड ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर कितना है 2, फिलहाल सभी का ऑर्डर 2 है, फिलहाल सभी का ऑर्डर 2 है। ये जो पहले लिखी थी इसका ऑर्डर कितना है 1, अननोन फंक्शन को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया 1 बार। दूसरा शब्द है डिग्री, डिग्री 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 का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। जैसे इसकी डिग्री कितनी है 1, हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म कौन सा है ये, इसकी पावर कितनी है 1। भाई ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार डिफरेंशिएट किया, और डिग्री का मतलब तो पावर ही होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट। इसके अंदर वाई को कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया गया 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। ऑर्डर को पावर से लेने देना नहीं है, ऑर्डर का मतलब है मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, ऑर्डर का मतलब है मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को, क्या क्लियर हुआ सब बच्चों को। अब पहले इस पर आ जाओ, यहां पर डिग्री कितनी है 1, इसकी पावर मत देखो, ध्यान रखना डिग्री का मतलब सबसे बड़ी पावर नहीं है, सबसे बड़े ऑर्डर की सबसे बड़ी पावर। इसकी डिग्री 1 है, सॉरी इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर कितनी है 1। यहां पर आ जाइए, इसकी डिग्री कितनी है 6, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। क्या बिल्कुल बात समझ में आई सब बच्चों को, एक मिनट रुक जाओ, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री तो लिखी ही नहीं हम, इसकी डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की नॉट डिफाइंड। अब सुनना ध्यान से, ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगी, लेकिन डिग्री तभी बात करेंगे जब डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह है। ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह नहीं है, e की पावर डिवाइड बाय dx, यानी कोई भी डेरिवेटिव किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर फंसा नहीं होना चाहिए। इधर देखो बताता हूं, डिग्री ओनली डिफाइंड वेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, जब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाए पॉलिनोमियल जैसा बन जाए डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव में क्या बन जाए पॉलिनोमियल। ध्यान देना, जैसे पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, मैं सिंपल लॉजिक बताता हूं, कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ा है ना, तो हमारा कोई भी डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, सिंपल, हमारा डेरिवेटिव किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, सारे डेरिवेटिव आजाद होने चाहिए, सिंपल लॉजिक में बता रहा हूं। एक बार फिर सुन लो,
ऑर्डर तो ब्रह्मांड की हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड है, कि ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है मैक्सिमम कितनी बार वाई को, मैक्सिमम कितनी बार अननोन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है। तो ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया, ऑर्डर तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड है, जबकि डिग्री केवल तभी डिफाइन होगी जब आपके सारे डेरिवेटिव्स आजाद होंगे, कोई डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के अंदर फंसा नहीं होना चाहिए, यानी डेरिवेटिव में हमको कैसा दिखे, पॉलिनोमियल जैसा। अब यहां पर चाहो तो डीवाई बाई डी एक्स को ई से आजाद कर सकते हो दोनों साइड लॉग लेकर, लेकिन एलएन लोगे तो डबल डैश फंस जाएगा, सारे डेरिवेटिव फिर भी आजाद नहीं हो पाएंगे। एक भी डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के अंदर आया तो डिग्री नॉट डिफाइंड, एक भी डेरिवेटिव अगर किसी भी फंक्शन के अंदर आया तो डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री की बात अब तभी करेंगे जब सारे के सारे डेरिवेटिव वाई आ जाए फंक्शन के अंदर, जैसे यहां पर वाई है तो वाई की जगह एलएन वाई होता कोई दिक्कत नहीं, वाई की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं वाई के डेरिवेटिव की, वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश, तो कोई भी डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के अंदर फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं हाँ भाई ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह है। वाई फंस जाए, वाई का एलएन ले लो, वाई का साइन ले लो, वाई का कॉस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेटिव नहीं फंसे हुए होने चाहिए। तो इस पर्टिकुलर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इसका ऑर्डर डिफाइंड है लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्या बात समझ में आई? चार शब्द मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन? एनी इक्वेशन मेड आउट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट वी हैव टू डू विद डिफरेंशियल इक्वेशन? वी हैव टू सॉल्व इट टू फाइंड द अननोन फंक्शन विच सेटिस्फाइज इट। किसी भी इक्वेशन को क्या करना होता है? सॉल्व ही करना होता है, और ऐसी वैल्यू ढूंढनी होती है जो उसको सेटिस्फाई करे। हर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर होगा और हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। ऑर्डर का मतलब है अननोन फंक्शन को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, और डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे बड़े ऑर्डर की सबसे बड़ी पावर। क्या बात समझ लो? तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां कोने में लिख दूंगा। वैसे तो ये चैप्टर बहुत टफ हो सकता था। शक्ल देखो, शक्ल देखो, शक्ल देखो, शक्ल देखो, लेकिन इनमें से कोई भी क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, सिलेबस में ही ललुआ है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत टफ हो सकता था और आईटी में जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन इसका सिलेबस बताना पड़ता है, और सिलेबस बताने के पहले समझाना पड़ता है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे सिलेबस ही नहीं समझेंगे। इसका सिलेबस है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ओनली। ऑर्डिनरी शब्द का मतलब है कि आपका अननोन फंक्शन केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है। अगर आपका अननोन फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो उसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी शब्द का मतलब है अननोन। दो प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पूरा जो जेई का सिलेबस है उसमें हमारा फंक्शन एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है, इसको कहते हैं सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। आईटी में जाएंगे पढ़ेंगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो केवल एक ही बात पर डिपेंड करे। इस रूम का टेम्परेचर बहुत सारी बातों पर डिपेंड करेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो एक ही बात पर डिपेंड करे या एक ही फैक्टर पर डिपेंड करे। हर चीज बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। हर चीज ही बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो रियल वर्ल्ड बेसिकली क्या है? मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। लेकिन मल्टी वेरिएबल के पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिंगल वेरिएबल। तो आईटी जेई के सिलेबस में सिंगल वेरिएबल कैलकुलस है। जब सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट इन द सिलेबस ऑफ जेई। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तबाही मच सकती थी, लेकिन आईटी वालों ने छोटे छोटे भोले भाले बच्चों का ध्यान रखा है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। ज्यादा ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? एक बार। कितनी बार? और उसकी भी पावर कितनी रखोगे? एक। ये इतना लल्लू है कि अगर मैं चैप्टर ना भी पढ़ाऊं तो भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो।
थोड़ा दिमाग लगा फिर आओ तुरंत क्या बात समझ में आई से बच्चों को. सो द चैप्टर के अंदर मैं आपको इसलिए सिलेबस बता रहा हूं कि अगर आप कोई इधर उधर की बुक पढ़े तो फालतू पीएचडी ना करें फिर भैया पता नहीं कैसी कैसी इक्वेशन आएंगी. इन आईटी जेई सिलेबस यू विल ओनली गेट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. क्या ऑर्डिनरी का मतलब समझ में आया? द वर्ड ऑर्डिनरी मीन्स आवर पर्टिकुलर फंक्शन आवर पर्टिकुलर वाई डिपेंड्स ऑन ओनली सिंगल वेरिएबल एक्स. ऑर्डिनरी आम बात, पार्शियल खतरनाक बात. क्या ये क्लियर है? तो कुल मिलाकर हम डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर को समझ गए. इस चैप्टर में हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएंगी, बल्कि मैं कहूं इस चैप्टर में हमको ललुआ डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी जिसको हम हलुआ की तरह सॉल्व करेंगे. क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? छाप लो फटाफट. हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक बात हमको समझ में आई गई है. अब भैया इससे पहले कि हम चैप्टर को तो बेसिकली पूरा समझ चुके हैं, हम समझ गए हैं कि इस चैप्टर में इक्वेशन सॉल्व करनी है, और वो भी इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है? अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव में बनी हुई इक्वेशन, अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव में बनी हुई इक्वेशन सॉल्व करनी है. और सॉल्व करके क्या पता लगाना है? वो अननोन फंक्शन जो कि उसको क्या करता है, सेटिस्फाई. इससे पहले कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है. अब सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. कुछ बात बताऊंगा, बहुत काम में आएगी ये बात. अभी नहीं, आईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे जब सारे के सारे बच्चे, तो सेकंड सेमेस्टर में काम में आएगी, उस समय आता है डीपीडी. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. भाई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमको दी गई, हम सॉल्व कर लेंगे, वो तो एक प्रक्रिया है. दूसरी प्रक्रिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, इसको थोड़ा ध्यान से बोर्ड पर देखें. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाई ज्योमेट्रिकल, बोर्ड पर देखें, कंडीशंस रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट या मैनी भी लिख सकते हैं, मैनी कर्व्स. डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा एक ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से बनेगी जो इनफाइनाइट या बहुत सारे कर्व को रिप्रेजेंट करे. एग्जैक्ट कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती. जैसे मैं बोलूं एक सर्किल का सेंटर 0.0 है और रेडियस 1 है, तो एक कर्व एग्जैक्ट हो गया और कुछ नहीं चाहिए, एग्जैक्ट एक ही है, उसकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी. डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा एक ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से बनती है जो बहुत सारे कर्वों को रिप्रेजेंट करे या आमतौर पर इनफाइनाइट कर्वों को रिप्रेजेंट करे. जैसे मैं बोलूं ऐसे कितने सर्किल होंगे जिनका रेडियस 1 है, इनफाइनाइट, इसकी बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन. यानी आधी अधूरी बात की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, पूरी बात की नहीं बनती. अगर एग्जैक्ट कर्व आ गया, एक ही कर्व है, तो उसकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी. समझे मेरी बात को. मान लो मैं दो पॉइंट दे दूं आपको फिक्स, तो दो पॉइंट से कितनी लाइनें निकलेगी? एक. तो उसकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी. लेकिन मैं बोलूं लाइन्स पासिंग थ्रू 0.0, तो 0.0 से कितनी लाइन निकलेंगी? इनफाइनाइट. तो इसकी बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन. बात को सुने, बात को समझे. डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा बनती है आधी अधूरी कंडीशन से. डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से बनेगी जो इनफाइनाइट या बहुत सारे कर्वों को रिप्रेजेंट करे. जैसे सर्किल विद सेंटर एट 0.0, ऐसे कितने सर्किल होंगे जिनका सेंटर 0.0 पर हो? इनफाइनाइट. तो इसकी बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन. ये बात समझना बहुत जरूरी है, इसको मैं एक बार फिर दोहराऊंगा. कभी भी एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल कंडीशन की, एग्जैक्ट कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती. अगर आपका फिक्स एक ही कर्व है, तो उसकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी. आपके डिफरेंशियल इक्वेशन केवल तभी बनेगी जब इनफाइनाइट या मैनी कर्व आ रहे हो, बहुत सारे कर्व आ रहे हो, आधी अधूरी कंडीशन. अब एग्जैक्ट एक ही कर्व कब आएगा? जब कंडीशन कंप्लीट कर दो. अगर कुछ आधी अधूरी बात कहो, लाइन्स पासिंग थ्रू 0.0, बहुत सारी लाइन्स हैं. लाइन्स विद स्लोप 2, बहुत सारी लाइन्स हैं. सर्किल विद सेंटर 1.0, बहुत सारे सर्किल हैं. सर्किल विद रेडियस 2 यूनिट्स, बहुत सारे सर्किल हैं. तो जब भी आप आधी अधूरी ज्योमेट्रिकल कंडीशन कहेंगे, तो आपको क्या मिलेगी? उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या बेसिक बात समझ में? अब कैसे बनेगी? स्टेप 1, राइट डाउन, बोर्ड पर देखें, मेथड सेट है, बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है, कनेक्शन कटवा दीजिए. राइट डाउन इक्वेशन ऑफ एनी वन कर्व सेटिस्फाइंग द गिवेन कंडीशन.
उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले किसी भी एक कर्व की इक्वेशन लिखो। अब यहां पर थोड़ा जादू होगा, आओ जादू देखिए। सिंस द कंडीशन इज पार्शियल, चूंकि यह कंडीशन आधी अधूरी है, सो वी हैव टू यूज सर्टेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम आवर साइड टू राइट द इक्वेशन। दीज आर नोन एज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट एंड देयर नंबर शुड बी मिनिमम। सुनो ध्यान से, जो गिवन कंडीशन है वह आधी अधूरी है, चूंकि गिवन कंडीशन आधी अधूरी है तो जब आप उससे एक पूरा कर्व लिखोगे तो आपको अपने मन से कुछ कॉन्स्टेंट लेने पड़ेंगे। आइए मैं समझाता हूं, बोर्ड पर देखें। जैसे मैं बोलूं लाइन विद स्लोप 2, तो इक्वेशन होगी y इक्वल टू 2x प्लस सी। ये c क्या है? आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, क्योंकि गिवन कंडीशन ही आधी अधूरी है। अब दिक्कत है, गुरुजी पूरी कंडीशन क्यों नहीं दी? बेटा पूरी कंडीशन देते थे तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं बन सकती थी, क्योंकि एग्जैक्ट कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती, तो हमेशा आधी अधूरी कंडीशन दी जाएगी। मान लो बोलू सर्किल विद रेडियस 2 यूनिट, तो क्या लिखेंगे? एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो एक्स वन वाई वन सर्किल का सेंटर है, जो मुझे अपने मन से मानना पड़ा। सर्किल विद सेंटर एट 0, 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक्स वन वाई वन जो मैंने अपने मन से लिखे, ये आर जो मैंने अपने मन से लिखा, ये सब क्या है? आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। लाइन्स पासिंग थ्रू 1, 2, 1, 2 से निकलने वाली लाइन y माइनस टू एम इन टू एक्स माइनस वन, एम क्या है? आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। आपको दी गई कंडीशन आधी अधूरी है, इसलिए जब आप उससे एग्जैक्ट कर्व लिखने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, तो आपको कुछ कमी नजर आएगी। एक आध दो कॉन्स्टेंट आपको अपने मन से डालने पड़ेंगे। ये कॉन्स्टेंट कहलाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की भाषा में आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, और इनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। ये नहीं कि खुशी के मारे लाइंस विद स्लोप 3, अच्छा स्लोप 3 वाली लाइंस 3x प्लस c1 प्लस c2, वैसे तो ये भी लाइन विद स्लोप 3 ही है, लेकिन दोनों कॉन्स्टेंट को जोड़ के एक सिंगल कॉन्स्टेंट बना लीजिए। जब भी आप इक्वेशन लिखते हैं आधी अधूरी कंडीशन से, तो चूंकि कंडीशन आधी अधूरी है तो आपको मन से कुछ बातें रख के उसको पूरा करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ इनपुट देना पड़ेगा, तो वह इनपुट कहलाता है आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। और आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कंबाइन हो रहे हैं तो कंबाइन कर दें, खुशी के मारे C1 प्लस C2 प्लस C3 लग के रोए नहीं। क्या क्लियर से बच्चों को? क्या स्टेप 1 क्लियर हो गया? ओके, स्टेप 1 खत्म हो गया। स्टेप 2, अब सुनना ध्यान से, डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ स्टेप 1 एज मैनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। जो स्टेप 1 में इक्वेशन मिली उसको उतनी बार डिफरेंशिएट करो जितने उसमें आर्बिटरी कॉन्स्टेंट है। तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? एक बार। इस इक्वेशन को दो बार, इसको एक बार, इसको एक बार, इसको भी एक बार, एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। तो जितने उसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करो। आखिरी स्टेप, स्टेप 3, यूजिंग इक्वेशंस ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एलिमिनेट ऑल द आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, वी गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टेप 1 और स्टेप 2 को यूज करके जितने भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है सबको एलिमिनेट कर दो। स्टेप 1 और स्टेप 2 को यूज करके स्टेप 1 में जो इक्वेशन लिखी
और स्टेप टू मुझे इक्वेशन मिली, उनकी मदद से सारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का एलिमिनेट कर दो, मिल गई आपको रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर एक कायदे की बात, जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होंगे आप उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। डिग्री तो नहीं बता सकते कि पावर कितनी बनेगी, लेकिन जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आप उतनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सेम एज द नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। प्लीज कॉपी डाउन। अब हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका समझ लिया है, आओ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, आओ छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करने वाले, सभी सर्किल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। वैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है ये पढ़ने में ज्यादा फायदेमंद तब होता है जब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर चुके हैं, इसे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये एक प्रकार से, लेकिन फिर भी हमारा काम बन जाएगा। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस ओरिजिन, ओरिजिन पर एक्स एक्सिस को टच करने वाले कितने सर्किल होंगे? इनफाइनाइट। इसे जलेबी बनाते आइए, फिर करोड़ों सर्किल ऊपर की ओर भी हो सकते हैं, फिर नीचे की ओर भी हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट सर्किल्स होंगे जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करेंगे। अब इनमें से कोई एक सर्किल लीजिए, कोई भी एक, अगर एक्स एक्सिस इनकी टेंजेंट है तो वाई एक्सिस इनकी नॉर्मल हो गई, अगर इसके सेंटर को 0, r कह दो तो रेडियस r ही हो जाएगी, बिल्कुल ज्योमेट्री लगाई, प्योर ज्योमेट्री। तो एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में मेरे को सेंटर का, सर्किल का सेंटर और रेडियस दोनों पता। अब मेरे दिमाग में तुरंत एक भावना आई, आईटी जेई के सिलेबस में केवल फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर, यानी आईटी जेई के अंदर जितने भी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे उनमें केवल एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आएगा। क्यों एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आएगा? क्योंकि सिलेबस ही फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर कब बनेगी? जब ज्यादा एक बार डिफरेंशिएट करो। ज्यादा एक बार कब डिफरेंशिएट कर सकते हो? जब एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसमें फॉर्मेशन भी बहुत इजी होती है। अब इस सर्किल की इक्वेशन हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बोलो हाँ, अरेंज कर लें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2ry इक्वल टू r स्क्वायर, कट गया। ये बन गई उन सारे सर्किल्स की इक्वेशन जो कि x एक्सिस को कहां पर टच करते हैं? ओरिजिन पर। क्लियर है? तो कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है? एक। कौन? r, कुछ भी नाम दे दो, लैम्डा दे दो, एक्स दे दो, आर। तो ये हमारी इक्वेशन वन बन गई। कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक बार। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स। सोचना नहीं है, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? एक्स, क्योंकि आपका वाई किस पर डिपेंड करता है? केवल एक्स पर। बुद्धि मत लगाओ, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2r वाई डैश जीरो आ गया। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, जो स्टेप वन में इक्वेशन बनी और डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन बनी, उन दोनों की मदद से आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना है। ऊपर वाली इक्वेशन से देखूं तो 2r की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, अरे 2r को उधर ले आओ। और नीचे वाली इक्वेशन देखूं तो 2r की वैल्यू कितनी आएगी? 2x प्लस 2y वाई डैश अपॉन वाई डैश। मिल गया आंसर। अरे बहुत इजी है चैप्टर, एक्चुअली फ्लो पकड़ना है, फ्लो। देखो सिलेबस एक्चुअली बहुत इजी है, सिंगल ऑर्डर है तो कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आएंगे? एक। यानी एक मिनट सुनो, अगर एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आएगा तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? एक बार। तो हर बार क्या होगा? एक इक्वेशन तो स्टेप वन में होगी और हर बार उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे, तो हर बार क्या होगा कि दो इक्वेशन मिलेगी और एक वेरिएबल को रैप करना होगा। और हर बार हम यही हरकत करते हैं, एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालो, दूसरे इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालो, इक्वेट कर दो। अब समझो, चूंकि सिलेबस में ही फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या हुआ? हर बार कितनी इक्वेशन मिलेगी? दो ही मिलने वाली है, एक वो जो आपने लिखी, एक वो जो डिफरेंशिएट करके आई, और दोनों में से क्या करना है? एक वेरिएबल को एलिमिनेट। थॉट प्रोसेस बना लो, चैप्टर बहुत ईजी है, कॉपी कर ले। अब सुनो,
एक और क्वेश्चन आइए करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देना है सब बच्चों को बोर्ड पे। क्वेश्चन कहता है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2 units। उन सारी लाइनों की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जिसका ओरिजिन से, मूल बिंदु से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी 2 units, 2 यूनिट है। ध्यान से भाई, उन सारी लाइनों की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिनकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट्स। तो पहले हमको ऐसी किसी लाइन की क्या लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन। ऐसी किसी लाइन की क्या लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन। बहुत तरीके से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 2। यह बन जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। कैसे, मैं वो समझा देता हूं। सब बच्चे बोर्ड पर देखें, सब बच्चे बोर्ड पर देखें बिल्कुल ध्यान से। ये एंगल थीटा है, मान लो थीटा एंगल है, तो ये वाला पॉइंट बड़े आराम से 2 cos थीटा, 2 sin थीटा आ जाएगा। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये आगे बढ़ जाएगा। ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसका टैन इस लाइन का स्लोप होता है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, टैन 90 प्लस थीटा। लाइन पर मुझे पॉइंट भी पता लग गया ज्योमेट्री से, और लाइन की मुझे स्लोप भी पता लग गई ज्योमेट्री से। पॉइंट पता, स्लोप पता, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस 2 साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा इंटू एक्स माइनस 2 कॉस थीटा। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्लियर है सब बच्चों को। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा। देखो ये ज्योमेट्री में डूबा हुआ है पूरा चैप्टर, इसमें ज्योमेट्री की चाशनी खूब चलेगी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 थी तो मैंने एक वेरिएबल थीटा मान लिया। वैसे भी हम पहले ही जानते हैं एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट आने वाला है, कुछ ना कुछ तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, इक्वेशन ही आधी अधूरी है, तो हमने थीटा इंट्रोड्यूस कर लिया। क्या क्लियर से बच्चों को, तो ये पॉइंट पता लग गया, ज्योमेट्री से स्लोप पता लग गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन पता लग गई। कॉट थीटा को सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा खट से। तो ये उन सभी लाइनों की इक्वेशन हो गई जिनका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट्स। इसमें जो मेजर, देखो डिफरेंशिएट करना तो बहुत इजी है, जैसे मैक्सिमम मिनिमा का चैप्टर था, उसमें मेजर काम क्या था, जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिखना। वैसे इसके अंदर जो मेन दिक्कत आएगी वो आएगी इक्वेशन लिखने में, उसके बाद डिफरेंशिएट करना, एलिमिनेट करना तो बहुत सीधा है। क्या इक्वेशन से बच्चों को समझ में आ गई, आइए कितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, एक थीटा, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार, तो एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा इक्वल टू आ गया। डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा 0, ये आ गया 2। क्लियर है, वाई डैश, वाई डैश और एक्स नहीं आएगा। क्या क्लियर से बच्चों को, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक्स। हमेशा ही किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। क्लियर से बच्चों को, यहां तक गाड़ी पहुंच गई, और थीटा को एलिमिनेट करें। यहां देखो नीचे से, इस बार ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्री आई, मैनिपुलेशन लाई। यहां से वाई डैश को अगर हम देखें तो वाई डैश जो है वो टेन थीटा के बराबर है। बोलो हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही। क्या समझ में आया, एक मिनट रुको, थोड़ा सा एरर हो गया। एरर ये हो गया कि थीटा थोड़ा डिफरेंशिएट होगा, 1 into cos थीटा जबरदस्ती, और y डैश साइन थीटा, ये 0 आ गया। थीटा तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट उसका नहीं। हाँ ओके, तो हमने डिफरेंशिएट करते नीचे से y डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस cot थीटा। बोलो हाँ गुरु जी, ये तो गाड़ी पहुंच गई। अब हमको इन दोनों में से थीटा एलिमिनेट करना है। चलो दिमाग लगाते हैं, बोर्ड पर देखो, कॉट थीटा बन रहा है तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा से, तो ये बन जाएगा एक्स कॉट थीटा प्लस वाई 2 कोसेक थीटा। बोल दो हाँ गुरु जी, कोसेक थीटा को हम लिख देंगे रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ गुरु जी, कॉट थीटा की जगह माइनस वाई डैश रख दो तो माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर।
बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बात समझ में आई? कॉपी कर लीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें। बोलता है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगाना होता है, y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर 3x प्लस सी टू ई की पावर 2x प्लस सी थ्री ई की पावर x, वेयर सी वन सी टू सी थ्री आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। ये लीजिए, उन सारे कर्वों की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो इस प्रकार के दिखते हैं, y इक्वल टू सी वन ई की पावर 3x प्लस सी टू ई की पावर 2x प्लस सी थ्री ई की पावर x, जहां सी वन सी टू सी थ्री तीन तीन क्या आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। हम इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? तीन बार। अब मेरी बात सुनो, मतलब मैं आगे बढ़ने से पहले देखना पसंद करता हूं कि कहां बढ़ रहे हैं। ये एक इक्वेशन है, मैं इसको तीन बार डिफरेंशिएट करूंगा तो तीन और इक्वेशनें मिल जाएंगी, कुल मिला के चार इक्वेशन हो जाएंगी और तीन वेरिएबल एलिमिनेट करने होंगे। ऐसा लगता है कि परमात्मा से मुलाकात ही हो जाएगी। खैर, हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मैं क्या सोच रहा हूं, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि खटखटे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मरते चले जाए। अब मेरी बात सुनो, दोनों और मल्टीप्लाई कर दो ई की पावर माइनस एक्स से, यू कहो दोनों और डिवाइड कर दो ई की पावर एक्स से, तो वाई ई की पावर माइनस एक्स सी वन ई की पावर टू एक्स सी टू ई की पावर एक्स प्लस सी थ्री। अब इसको दाग डिफरेंशिएट एंड गेट, पहला दाग लगने जा रहा है वाई डैश ई की पावर माइनस एक्स माइनस वाई ई की पावर माइनस एक्स टू सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर एक्स। एक बार डिफरेंशिएट भी किया और चनाके से सी थ्री को खा भी गए। अब क्या करेंगे? अब इच्छा हो रही है सी टू को खाएं, वापस ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, ई की पावर एक्स से डिवाइड कर देंगे, वाई डैश ई की पावर माइनस टू एक्स माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स इज टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू। फिर डिफरेंशिएट करिए, अब की बार डिफरेंशिएट करेंगे वाई डबल डैश ई की पावर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई डैश ई की पावर माइनस टू एक्स माइनस y डैश ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस टू वाई ई की पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू सी वन ई की पावर एक्स। दूसरी बार डिफरेंशिएट भी कर लिया और साथ में सी टू को भी खा गए। अब क्या करेंगे? फिर से इसको डिवाइड करेंगे, भाई जब मैं कर नहीं रहा हूं, डिवाइड बाय ई की पावर एन, आखिरी दाग डिफरेंशिएट एंड गेट। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि हमने चालाकी से सी वन सी टू सी थ्री तीनों एलिमिनेट कर दी। क्या लॉजिक समझ में आया बच्चों को? कॉपी कर लीजिए।